हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपको फर्स्ट क्लास का सिलेबस दिखाने वाली हूँ जो अब न्यू सेशन में काम आएगा। अब जो फर्स्ट क्लास जो 23 एंड 24 के सेशन में करेंगे उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। देखिए, इसमें मैथ्स की बुक है, ये मैथ्स एस बुक प्राइम बुक क्लास 1। इसमें जो चैप्टर्स इंट्रोड्यूस होने वाले हैं बच्चों को, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये देखिए, ये चैप्टर्स हैं इसमें, नंबर्स अप टू 20, देन है एडिशन अप टू 20, सब्ट्रैक्शन अप टू 20, स्पेस शेप्स एंड पैटर्न्स। देन सिक्स चैप्टर इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अप टू 100। पहले जो इनमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिखाया जाएगा वो 20 तक है, देन अप टू 100 है। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन विल ऑल्सो बी देयर, मेजरमेंट, एंड नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज टाइम एंड कैलेंडर, दिस इज मनी, डेटा हैंडलिंग, और ये तो फोकस ओलम्पियाड के लिए है, यहाँ पे इसमें क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और फर्स्ट क्लास के सिलेबस को सर्च कर रहे हैं, देन यू शुड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं इन चैप्टर्स को डिस्कस करूँगी, जिस तरह से स्कूल्स में होते हैं उन्हीं तरह से हम वन बाय वन सब चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है संचय हिंदी व्याकरण एवं रचना, हिंदी ग्रामर जिसको हम बोलते हैं, वो ये वाली बुक है। इसमें चैप्टर्स हैं फर्स्ट क्लास के लिए, इसमें जो चैप्टर्स हैं वो हैं हमारी भाषा, हिंदी वर्णमाला, स्वर की मात्राएं, शब्द और वाक्य, नाम वाले शब्द, स्त्री पुरुष, एक अनेक, नाम की जगह, कैसा कितना, काम वाले शब्द, शब्द भंडार, एंड नेक्स्ट रचना का संसार। ये सब चैप्टर्स हिंदी व्याकरण में बच्चों को कराए जाएंगे अब। और हिंदी की जो मेन बुक है वो है ये नूतन उद्भव अनुराधा, ये पब्लिशर है, और इनकी हिंदी की बुक है बच्चों की क्लास फर्स्ट की। मेरी बेटी क्लास फर्स्ट में अब जाएगी, तो उसी का ये सारा सिलेबस है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए, इसमें जो चैप्टर्स हैं वो हैं इंडेक्स, इसका इंडेक्स यहाँ पे कहाँ है, ये रहा। अच्छा, इस तरह से इंडेक्स दिया हुआ है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल साइड में, राइट। ये देखिए, परिचय अपना अपना, मेरा बचपन, अंतर खोजो, नन्ही चिड़िया, चित्र देखकर कहानी समझना, भारत की पहचान, स्वर और व्यंजन, देन वर्णमाला, इस तरह से सिखाए जाएंगे स्वर और उनकी मात्राएं, क्योंकि अभी मात्राएं बच्चों को नहीं आती हैं, फर्स्ट क्लास में ये मात्राएं अब इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। हंस संग मछलियां, र के रूप, रेफ व पदन, मतलब र की जो अलग अलग जो होते हैं ना, र पे ऊ की मात्रा लगती है उस तरह से, और र के जो अलग अलग जो वेरिएशंस होते हैं वो सिखाए जाएंगे। नेक्स्ट है ये हाथ पैर बन जाते पंख, ये एक वाक्य वो कविता है, वो आपको आगे इसमें पढ़ने को मिलेगी। देन सुलेख है इसमें, बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं और इसमें हम डे बाय डे रीडिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे जैसे जैसे आप कहेंगे, और अगर आपको कोई स्पेशली चैप्टर की डिमांड हो तो आप वो मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और अदरवाइज़ मैं आपको साथ साथ हिंदी एंड इंग्लिश की रीडिंग की प्रैक्टिस, एंड साइड बाय साइड हमें राइटिंग की प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ फर्स्ट क्लास में बच्चों की राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छे से हो जानी चाहिए। देन आता है ये इंग्लिश ग्रामर बुक, दिस इज़ इंग्लिश ग्रामर, एंड इसमें जो चैप्टर्स हैं वो हैं ये द अल्फ़ाबेट एंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सिखाया जाता है, ए बी सी डी, जैसे कि हम डिक्शनरी में जिस तरह से हम लिखते हैं उस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सिखाया जाता है। नेक्स्ट नेमिंग वर्ड्स, मतलब नाउन एक तरीके से, कॉमन नेम्स एंड स्पेशल नेम्स, वन एंड मोर देन वन, ही और शी, नेमिंग वर्ड्स फॉर बिलोंगिंग, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, आई यू ही शी इट, यू वी दे, इनके मतलब ये क्या है, प्रोनाउंस हैं एक तरीके से, इनके बारे में डिस्कस होगा। ए एंड द आर्टिकल्स वो आ जाएंगे, दिस दैट दीज दोज,
ये भी इसमें अब आ जाएगा बच्चों को ग्रामर में. डूइंग वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स मीन्स, व्हाट यू मीन बाय डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स राइट, मीन्स वर्ब. एम इज आर एंड डूइंग वर्ड्स किस तरह से उनको हम यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं ना हम, इज एम आर एंड साथ में क्या लगता है, इंग लगता है, हैज हैव वॉज वर हैड, ये सब इन सब के यूजेज सिखाए जाएंगे. कैपिटल लेटर्स, कॉमा एंड फुल स्टॉप, जो मतलब पंक्चुएशंस जो होती हैं वो बच्चों को सिखाई जाएंगी, कि जब हम राइट करते हैं तो हमें पंक्चुएशंस का भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है. इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, नियर, ये सब क्या हैं, प्रीपोजिशंस हैं, वो भी सिखाए जाएंगे. एंड और, ये क्या आते हैं, कंजंक्शंस हैं, कंजंक्शंस इसमें आएंगे. थैंक यू एंड सॉरी, ये क्या होते हैं, मैजिक वर्ड्स, मैजिक वर्ड्स के बारे में बताया जाएगा. अपोजिट्स, माई बेस्ट फ्रेंड, अ लिटिल बर्ड, द बस राइड, लीना सरप्राइज, आइसक्रीम, मतलब ये चैप्टर्स के थ्रू ये सब जो पॉइंट्स हैं सब क्लियर किए जाएंगे. ओके, इसमें आगे भी बहुत से ऐसे हैं, ये शॉर्ट स्टोरीज टाइप्स हैं, इनके थ्रू इनको ग्रामर में समझाया जाएगा कि बच्चों को आगे आगे कैसे राइट करना होता है, सेंटेंस मेकिंग किस तरीके से होती है. नेक्स्ट आती है ये मेन इंग्लिश की जो बुक होती है, एनरिचिंग इंग्लिश रीडर राइट, इंग्लिश की जो मेन बुक होती है वो थी ग्रामर बुक एंड दिस इज इंग्लिश बुक. इसमें जो पोएम्स एंड चैप्टर्स जो भी होंगे उनको हम साइड बाय साइड नॉर्मल बेसिस पे हम इसको रीड भी करा करेंगे, एंड देन इसका जो टेक्स्ट बुक का जो वर्क होगा वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी जैसे जैसे कराया जाएगा. तो इसमें देखिए, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, सॉरी फॉर लाइट फ्लक्चुएशन, नाउ इट्स इट क्लियर. नाउ फर्स्ट चैप्टर इज इन द पार्क, सेलिब्रेशंस, लेट अस लाफ, शॉपिंग, फैमिली, फोक टेल्स, हॉलीडेज, एनिमल स्टोरीज, ये सब इसमें है. इंग्लिश की बुक है, इस तरह से ये इंग्लिश की बुक है. आपके स्कूल में कौन कौन सी बुक्स इसमें से यूज़ हो रही हैं आप मुझे ज़रूर बताएंगे. नेक्स्ट आता है आईटी विजन, कंप्यूटर, कंप्यूटर की बुक है ये. कंप्यूटर में जो चैप्टर्स आएंगे इसमें फर्स्ट क्लास का ये सिलेबस है जो आपके साथ डिस्कस हो रहा है. कंप्यूटर अ मशीन, कंप्यूटर के बारे में बेसिकली जब फर्स्ट क्लास में, क्योंकि कंप्यूटर इंट्रोड्यूस होता है तो सबसे पहले यही सिखाया जाता है, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, द कंप्यूटर माउस, यूजिंग द कीबोर्ड, फन विद माइक्रोसॉफ्ट पेंट. माइक्रोसॉफ्ट पेंट बच्चे करेंगे, इसमें बच्चों को बहुत मज़ा आता है. देन नेक्स्ट इज डेटा एंड मेमोरी, फन विद टक्स पेंट, इस तरह से ये कंप्यूटर का कोर्स है बच्चों का फर्स्ट क्लास का. ये आता है नेक्स्ट EVS बुक जो होती है, आवर इनक्रेडिबल प्लानट, अ कोर्स बुक फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज, अनुराधा मुखर्जी इनकी पब्लिशर्स हैं, राइटर हैं, वो है इस बुक की. आवर इनक्रेडिबल प्लानट मतलब EVS जो बच्चों का जो सब्जेक्ट होता है ये वो है. इसमें जो चैप्टर्स हैं वो भी देख लेते हैं. फर्स्ट चैप्टर इज फैमिली एंड फ्रेंड्स, देन सराउंडिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनके में मतलब इनके जो हेडिंग दी हुई है इनके अंदर जो डिस्कशंस हैं, जो जो चैप्टर्स इंक्लूड हैं वो दिखाए गए हैं. जैसे सराउंडिंग्स में आवर नेबरहुड, आवर स्कूल, पीपल हु हेल्प अस, जो हेल्पर्स होते हैं हमारे, वो सराउंडिंग्स इसमें आ गई. प्लांट्स एंड एनिमल्स, द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स एंड द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, ये तो चैप्टर्स इसमें आ गए. नेक्स्ट आता है बेसिक नीड्स, बेसिक नीड्स क्या क्या है हमारी, द फूड वी ईट, आर शेल्टर, क्लोथ्स वी वियर, ये सब हमारी बेसिक नीड्स हैं, वो भी इस तरह से बच्चों को इसमें समझाई जाएंगी. नेक्स्ट आता है द प्लानट अर्थ, अर्थ के बारे में, वाटर एंड अस, एयर अराउंड अस, द अर्थ, द स्काई एंड अस, हमारे बारे में जो प्लानट के बारे में, बेसिकली अर्थ के बारे में इसमें वो भी डिस्कस होने वाला है. नेक्स्ट है ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग टू प्लेसेस, ये सब चैप्टर्स हैं जो EVS में मैं डिस्कस करूँगी आगे आने वाली वीडियोस में. तो चलिए मिलते हैं आगे, आगे का सेशन हम साथ में ही बिताएंगे. और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा. तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.